गाइस गाड़ी थोड़ा पीछे आ गया था और स्मोक कहीं और हो रहा था, तो एक बार स्मोक में बैठा लेते अपनी गाड़ी। और गाइस यहाँ पर देखो ग्रेनेड, तो इस ग्रेनेड को मैंने हवा में ही आते देख लिया था और तुरंत जम करके भाई पीछे आ गया, वरना थोड़ा ज़्यादा डैमेज पड़ता। और आगे जो होगा ये देखो गाइस, मतलब लगातार कंटिन्यूस दो ग्रेनेड करे उस बंदे ने। और गाइस पीछे से बग्गी, ओ भाई क्या ही बचा, मतलब ये बंदा मुझे कुचल भी सकता था और सामने वाला रिज वाला बंदा मुझे फायर भी कर सकता। ओ गाइस भाई मेरे को हिल कर लेने दे यार, अब मैं उस पेड़ पे रुक के हिल नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ पर जोन भी नहीं था और हेल्थ हमारी कम है। और गाइस वो देखो, मुझे लगा मैं हेल्थ कर लेता हूँ। तो गाइज़ ये लाइंस उन बंदों के लिए जो मेरे चैनल पे नए हैं और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा और पहली बार देख रहे हैं ना ये वाला वीडियो, तो गाइज़ मुझे आप पबजी में सोलो लीडर बोर्ड में नंबर 2 पे देख सकते हो और यूं तो अपन नंबर 1 ही है, लेकिन हैकर लोग भाई हमारे आगे निकल जाते हैं और मैं खेलता हूँ भाई लेजिट बिल्कुल, तुम सपोर्ट करते जाओ यही काफ़ी है मेरे लिए, अपन नंबर 1 ही रहेगा। तो गाइज़ मेरा पॉइंट देखना लीडर बोर्ड में कि कितना ज़्यादा पॉइंट है, क्या लगता है गाइज़ आपको कि ये हार्ड है या फिर बहुत आसान काम है? तो गाइज हर कोई नहीं कर सकता, सबके बस की बात बिल्कुल भी नहीं होती है, यहाँ तक कि गाइज हैक लगाने वाले बंदे भी मेरे पीछे हैं। और गाइज मेरे वीडियोस पे व्यूज तो अच्छे खासे आ जाते हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो गाइज क्या लगता है आपको कि यहाँ पर आना बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल घास काटने जैसा? तो गाइज ये सबके बस की बात नहीं है, अगर कोई बड़ा यूट्यूबर होगा ना उसके भी बस की बात नहीं है, नहीं हो पाएगा उससे। तो गाइज मैं ये सब ऐसा नहीं कि कल यूट्यूब चैनल बनाया और आप सबको बोल रहा हूँ कि आज सब्सक्राइब कर दो मुझे। गाइज मैंने जो हासिल किया भाई, जो अचीवमेंट है, जो मेरी रैंक चल रही है एशिया में, उसके बेस पे बोल रहा हूँ। और इस सब के बावजूद अगर इसके बाद भी तुम सब्सक्राइब नहीं कर सकते ना, तो एक कमेंट करके रीज़न बता देना कि तुम सब्सक्राइब क्यों नहीं कर सकते, तो हम उस पर भी काम करेंगे क्योंकि हमारा काम है भाई सब्सक्राइब कराना है तुमको, और तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कौन करेगा यूँ बताओ, एलियंस आएंगे? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो गाइस कल हमारे यूट्यूब बिस्ट भैया जी जो कि एशिया में सोलो लीडर बोर्ड में नंबर 1 पे बैठे हुए थे, वो बैन हो जाते हैं। और मुझे इसके बारे में पहले ही पता था कि वो हैक लगा रहा है, लेकिन मैं किसी के काम में क्यों टांग अड़ाऊँ, और मैंने रहने दिया। भले ही मेरा मतलब रैंकिंग लग रहा, मैं लेजिट खेल के नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहा हूँ और वो भाई हैक लगा के नंबर 1 पे बैठा हुआ है, मतलब किसी को आने ही नहीं दे रहा। इसके बावजूद मैंने कोई एक बार भी रिपोर्ट नहीं करा उस बंदे को, और ना किसी बंदे को ऐसा बोला भाई वीडियो बना के उसको रिपोर्ट करो, बस बोला कि वो हैक लगा रहा है, ऐसा मेरे को सस्पिशियस लग रहा था। लेकिन छोड़ो, मुझे मतलब पता था कि इसका आईडी एक ना एक दिन बैन हो ही जाएगा भाई लीगल तरीके से, पबजी वाले बैन कर ही देंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना टाइम लेंगे और इतना दिमाग वो बंदा लगा रहा था ना कि पुश में चार चार बंदों को अपनी टीम के, मतलब चार बंदे उसके स्क्रिप्टेड फाइट करते हैं एंड में। अब इतना दिमाग अगर वो रियल में मतलब लेजिट खेल के लगाता तो वाकई में नंबर 1 बन जाता और वो बैन होता। अब मैं सोच रहा था कि भाई अब चलो शांति बढ़िया, अब तो हम नंबर 1 पे होंगे, लेकिन एक बीमारी ख़त्म हुई नहीं कि दूसरी घात लगा के बैठी थी और तुरंत प्रभाव से नंबर 1 ऑक्यूपाई कर लेती है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये भाई? ये दिखते भी अपने जैसे, घूमते भी अपने बीच ही, क्या ही चल रहा था उनके बारे में। और उसके बावजूद एक जो बंदा है उसने पबजी वालों के टीम के साथ जो कन्वर्सेशन करी या फिर जो भी बात करी ना, वो तुम देख लेना और उसी ने बैन करवाए। तो गाइज उसका जो वीडियो का लिंक ना, मतलब उसके चैनल का नाम बता दूंगा मैं वीडियो के एंड में, तो वहाँ से देख लेना आप, अगर आप ये बता दिया तो तुम तुरंत वहाँ भाग जाओगे। तुम्हारे में एक्साइटमेंट है ना कि बैन कैसे हुआ वो बंदा, एंड तक देख लो गाइज। और गाइज बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि एडमिन योर फ्रेंड लिस्ट एंड सेंड मी फ्रेंड रिक्वेस्ट और मेरा एक्सेप्ट कर लो रिक्वेस्ट। तो गाइज मेरा फ्रेंड लिस्ट बहुत ही पहले ही फॉल हो चुका था, मतलब फर्स्ट कम के बेसिस पे जो जो बंदे मुझे रिक्वेस्ट भेजे थे भाई सबको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब ऐसा किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। और रही बात कमेंट्स की, तो गाइज़ मुझे मालूम है मैंने कमेंट के रिप्लाई नहीं दिए 3 दिन से, तो गाइज़ थोड़ा टाइम दो मुझे। तो गाइज़ अब बात आती है भाई रैंक पुश जो बंदे कर रहे हैं उनको कम मिल रहा है प्लस, तो इसका भाई तुम क्या कर सकते हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट खेलो और किल लो, डोमिनेट करो, तब अच्छा खासा प्लस मिलेगा, वरना खत्म। तो गाइज अब बात करते हैं अपने इस गेम प्ले की, और इसमें एक गाड़ी लेके मैं निकल लेता हूँ और वहाँ पर अच्छी खासी शांति से लूट करने के बाद हम आ जाते हैं सीधे फाइनल जोन में, क्योंकि बीच जोन में और स्टार्टिंग में आज मैंने फाइट नहीं ली है बिल्कुल। और अगर आप जोन टू जोन मूव करोगे तो इतना ज़्यादा नहीं प्लस मिलेगा कंपेरिजन के, जब आप सेंटर में होल्ड करोगे और किल भी उठाते रहोगे। तो गाइज तीसरे जोन में होल्ड करने का फ़ायदा भी ये रहता है कि कभी कभी जोन आप पे ही बन जाता है और फर्दर जो जोन बनते हैं भाई उसका एडवांटेज आप लेते जाते हो भाई फाइनल जोन तक।
तो गाइस फिलहाल ये तीसरा जोन है और तीसरे जोन में मैं सेंटर में आ जाता हूँ भाई, ताकि मुझे किल मिल जाए। मतलब किल ऐसे नहीं कि बंदे पे हेड पे है, मतलब 1v1 फाइट ले बस। अब जो बंदे रोटेशन मारते हैं ना, बिल्कुल वो उनके पास तो कोई चांस है ही नहीं हमको मारने का, हमारे पास है चांस बस उनको मारने का। तो गाइस मैं इस सेक पे होल्ड करता हूँ और जो रूट है भाई रोटेशन का, बंदों का सामने से आएंगे और इधर थोड़ा सा राइट में एक और पुल है वहाँ से आएंगे बंदे, और इतने में एक गाड़ी आती है। चलो गाइज ये बंदा तो निकल गया, और ऐसा नहीं कि ये अकेला ही बंदा है भाई, पूरे मैच में और भी बंदे हैं उनको मारेंगे हम। और इतने में एक और गाड़ी आती है भाई यूएसजेड सामने से। अरे भाई सप्रेस्ड एकदम सही नहीं चल रही भाई, स्कारल भी सही नहीं चल रही, क्या मामला है आज। मैं वापस से एक में घुसा ही था कि एक और गाड़ी का साउंड आ रहा सामने से। अब सामने जो पहाड़ है भाई वहाँ पर एक बंदा M24 चला रहा है, पता नहीं कहाँ चला रहा है, बस साउंड आ रहा है हमको। अब मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ भाई कौन स्पॉट हो मुझे, और सामने देखो गाइज तो ये देखो गाइज कंटिन्यूस हेडशॉट ही हेडशॉट भाई, कैसा लगा ये के लिए ये बता देना मुझे कमेंट करके। तो गाइज यहाँ से अगला जोन स्टार्ट हो गया है भाई, ब्लू जोन क्लोज हो रहा है, और हमने अपना गाड़ी पे स्मोक कर दिया ताकि स्नाइप ना कर सके कोई, तुरंत हेडशॉट। और पीछे से गाड़ी भी आ रहा है, फिलहाल तो हमको जोन में मूव करना चाहिए उस बंदे को मारने के बजाय। अब यहाँ से बिल्कुल तगड़ा इंटेंस है भाई, इतना ज़्यादा इंटेंस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो गाइस तुम खुद देख लो कितना ज़्यादा इंटेंस रहा है यहाँ पर, यहाँ पर फायर आ रहा था M4 का भाई ऊपर। यहाँ पर मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि कहाँ रोकूँ गाड़ी और कहाँ होल्ड करूँ, चारों तरफ बंदे, और मैंने सोचा भाई एक बार गाड़ी रोक देता हूँ और दूसरी गाड़ी से कवर बना लेता हूँ, लेकिन इसमें भाई तेल नहीं था। और अब जो भी करना है हमें इस गाड़ी के साथ ही करना है, अबे साले मतलब गाड़ी से ही सर्वाइव करना है। यहाँ पर मैं अपना गाड़ी रोक के भाई स्मोक कर देते हैं एक बार दो। अब ऊपर वाले एरिया में मतलब ये रिज है या फिर उस तरफ एक बंदा है, ये मुझे आइडिया था क्योंकि वो फायर कर रहा था हमारी गाड़ी पे। अब मुझे चाहिए था कवर उसी बंदे से, और पीछे तो हमने स्मोक कर रखा है और बग्गी भी घूम रही है भाई आसपास से। और रिज वाला बंदा बहुत ज़्यादा दूर है, और मैं भाई अपना फ्यूल भर लेता हूँ, किस काम का ये फ्यूल अभी। और गाइस यहाँ पर एक और स्मोक कर देते, ज़्यादा देर हम सर्वाइव कर सकेंगे ताकि। गाइस गाड़ी थोड़ा पीछे आ गया था और स्मोक कहीं और हो रहा था, तो एक बार स्मोक में बिठा लेते अपनी गाड़ी। और गाइस यहाँ पर देखो ग्रेनेड, तो इस ग्रेनेड को मैंने हवा में ही आते देख लिया था और तुरंत जंप करके भाई पीछे आ गया, वरना थोड़ा ज़्यादा डैमेज पड़ता और आगे जो होगा ये देखो गाइस। मतलब लगातार कंटिन्यूस दो ग्रेनेड करे उस बंदे ने, और गाइस पीछे से बग्गी। ओ भाई क्या ही बचा, मतलब ये बंदा मुझे कुचल भी सकता था और सामने वाला रिज वाला बंदा मुझे फायर भी कर सकता। ओ गाइस भाई मेरे को हिल कर लेने दे यार, अब मैं उस पेड़ पे रुक के हिल नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ पर जोन भी नहीं था और हेल्थ हमारी कम है। और गाइस वो देखो, मुझे लगा मैं हेल्थ कर लेता हूँ और वो बंदा जंप करके मेरी तरफ आ रहा था, और उस बंदे को मैं किल कर लेता हूँ और असिस्ट ये बंदा देता है। तो गाइस मेरे पास था भाई सप्रेस्ड एकेम, और इस बंदे को साउंड का बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ, और ये अंधाधुंध आता गया जिगल करते करते, और मौत हो गई इसकी। अब मुझे चाहिए था भाई फाइनल बंदा कि कहाँ है वो, और बस मुझे स्पॉट करना था। और देखो गाइस सामने से एक गाड़ी आती है, वो अच्छे खासे कवर में चला गया, फिलहाल तो वो जोन के बाहर है। उसने स्मोक कर दिया भाई अंधाधुंध, और वो सोच रहा है क्लोज इन करूँगा। तो गाइस देखते हैं क्या होता है। तो गाइस वो बंदा उधर से पीक दे रहा है और उसको देखते हैं एक बार। हैं पाजी तो हम मर गए।
तो गाइज क्या लगता है आपको, ये अच्छा प्लेयर था या फिर कुछ गड़बड़ का मामला है? अब इस बंदे को मैं रिपोर्ट नहीं करता हूँ, तो गाइज इस बात को कंफर्म कर देना कि ये हैकर था या फिर अच्छा प्लेयर था, कमेंट करके ज़रूर बता देना। लेकिन जो भी हो भाई, अच्छा है हमारे यहाँ पर +8 होते और जो भाई क्या बचाऊँ मैं, मतलब ये प्लस तो बोनस है मेरे लिए, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी लग नहीं रही थी कि मैं यहाँ पर बच जाऊँगा और सेकंड रैंक पे आ जाते। गाइज अगर तुम लोग को ये वाला गेम प्ले अगर पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और भाई लोग तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो सोलो के मैच देखते हो या फिर पबजी खेलते हो। और साथ ही अगर तुम लोग नए हो मेरे चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। तुम लोग मुझे लीडर बोर्ड में तो देख ही सकते हो कैसे भाई हैकर लोग आते हैं और बैन हो जाते हैं और फिर से हैकर आते हैं नंबर वन पे। अभी एक और हैकर आ गया भाई, तुम लोग मुझे सब्सक्राइब करोगे ना तो मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं उन हैकर को भी पछाड़ के आगे निकल जाऊंगा। बस तुम सब्सक्राइब करो भाई, फटाफट 10K करवा दो। और भाई लोग अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में यानी कि कल। और गाइस मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ भाई, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही मत। बाय। Smoke you, I could roast you, and then you'd love it. You text me, I love you, and then I'd fucking ghost you. The big boys.